रेडी हो रही हूँ और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से और भगवान के आशीर्वाद से मेरे 8K कंप्लीट हो गए हैं। और अच्छा लगता है जब कुछ भी आप करो और उसमें आपको सक्सेस मिलती है, आपको लोग पसंद करते हैं, प्यार देते हैं, तो इससे अच्छी खुशी और किसी चीज़ में नहीं मिल सकती है। तो मैं खुश भी आज बहुत ज़्यादा हूँ और अभी मैं यहाँ पर तैयार हो रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जैसा कि मैं कई बार बता चुकी हूँ कि सुबह रेडी हो जाओ तो एक बार फ्री हो जाना होता है, फिर जो कुछ है अपना काम करते रहो। और चलो अभी है आप सब, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज डे है थर्सडे और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं नहा करके आ रही हूँ। अब थोड़ा सा जो तिली तैयार होती हूँ वही तैयार हुई हूँ, मतलब सुबह सुबह सिंदूर बिंदी बस उतना ही किया है। और आज है नवमी तिथि, पितृपक्ष की नवमी तिथि है, तो नवमी तिथि वाले दिन जो है वो जो मातृपक्ष होता है, तो 9 दिन मातृपक्ष होते हैं, बाकी के पितृपक्ष होते हैं, तो उसमें मातृपक्ष की विदाई की जाती है। तो आज दादी जी की विदाई हो रही है, तो मम्मी किचन में सुबह सुबह लग गई हैं और नहा धो करके वो पूजा भी कर चुकी हैं। और आज थर्सडे है तो थोड़ी सी पूजा लंबी हो जाती है, क्योंकि गुरुवार की जो व्रत कथा है वो पढ़ी जाती है और प्रसाद वगैरह लगाया जाता है। तो अभी मुझे भी करना है, लेकिन मैं पहले सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ किचन के काम निपटा लूँ, फिर आराम से बैठ करके पूजा करूँगी, क्योंकि आज की पूजा थोड़ी सी लंबी तो हो ही जाती है। थर्सडे है इसलिए येलो कलर कैरी किया हुआ है। तो चलो अभी चलते हैं किचन में, फिर मिलते हैं। अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, तो मम्मी ने भिंडी की सब्जी छौंक दी थी, तो मैं उसको देख रही हूँ कि वो पक गई है कि नहीं पकी है। तो आज थोड़ा जल्दी हमें खाना पीना बनाना है और लेट आज वैसे ही बहुत हो गया है, कल नाइट में मैं काफ़ी लेट में सोई और सुबह फिर जल्दी आँख नहीं खुलती अगर आप देर रात तक सोते हो तो बस थोड़ा सा आज लेट हो गया है। और सबसे पहले मैं आटा गूँथ करके रख दे रही हूँ और देख सकते हो भिंडी की सब्ज़ी हमारी पक चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर मैं नमक वाली पकौड़ी बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने आटा लिया हुआ है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अजवाइन डाल करके मिक्स करके रख देंगे, तो इसको नूनबरिया बोलते हैं और दादी को ये बहुत ज़्यादा पसंद था। तो आज सासू माँ अपनी सास की विदाई करने जा रही हैं, तो उनकी पसंद की चीज़ तो बनाएंगी ही बनाएंगी, तो इसीलिए ये तो पकौड़ी बनना ही बनना था। और बस मैं पहले नमक वाली पकौड़ियाँ निकाल लेती हूँ और अभी दूध वाले भैया आ गए हैं, तो मम्मी जो है वो गेट पर गई हैं दूध लेने। और सुबह सुबह मतलब किसी न किसी का आना जाना गेट पर बना ही रहता है, सुबह सुबह ऐसा होता ही है, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं, सबके घरों में यही चीजें होती होंगी। मम्मी ने जो है वो सीधा निकाल दिया, जिसको सीधा बोला जाता दान में दिया जाएगा ये। और इधर मैं पकौड़ियाँ निकाल रही हूँ, और भी मुझे कढ़ी बनाना है, तो आज के दिन मम्मी कढ़ी ज़रूर बनवाती है नवमी वाले दिन। तो पकौड़ी देख सकते हो मेरी बन चुकी हैं, ये लास्ट में है तो ऑयल कम हो गया है, साइड में दूध भी बॉयल होता जा रहा है। और बस मैंने छौंक के लिए इसमें हरी मिर्च और मेथी दाना, हींग और मस्टर्ड सीड डाल दिया है, और उसके बाद मैंने हल्दी और पानी डाल करके, करी पत्ता लीव्स डाल करके सब कुछ डाल दिया है, इस तरीके से खटाई डाल दिया है। और उसके बाद बेसन को और दही को एक साथ ब्लेंड कर लिया था, मैं बेसन और दही साथ में ही ब्लेंड करके डालती हूँ, बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं, पहले बेसन घोल के डाल देते हैं बाद में मट्ठा या दही बाद में यूज डालते हैं उसमें, तो लेकिन मैं साथ में ही डाल देती हूँ। और इधर साइड अदरक की दलिया भी पक चुकी है, तो किचन में एक साथ कई काम होते रहते हैं, तो कढ़ी में बस उबाल आनी बाकी है और जब तक बॉयल नहीं हो जाती तब तक चलाते रहना है इसको कॉन्टीन्यूअस। और यहाँ पर चीनी डिब्बे में ख़त्म हो गई थी, तो मैं दूसरे वाले डिब्बे से इसमें भर रही हूँ, क्योंकि पूरी चीनी इकट्ठा नहीं रखते हैं, छोटे डिब्बे में यूज़ के लिए रखते हैं। और यहाँ देख सकते हो कढ़ी हमारी अच्छे से बॉयल हो चुकी है, और इसमें बस मैं पकौड़ियाँ डाल दूँगी और थोड़ा जो गैस का फ्लेम है वो एकदम स्लो कर दूँगी, और उसके बाद कुछ देर इसको पकने दूंगी, कुछ देर पकने के बाद ये एकदम से पक जाएगी, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलो पकौड़ी जो है वो हमारी बन चुकी है और यहाँ पर कॉफ़ी भी बन करके रेडी हो गई, तो चलो मम्मी को दे देते हैं। मम्मी पूड़ियाँ बना रही हैं और इधर अक्षत का ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो ये अपना बिजी है टेस्ट देने में, बीच बीच में मैं इनकी थोड़ी हेल्प कर दे रही हूँ, तो बच्चे अपने आप अब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है उनको। और यहाँ पर मम्मी भोग लगा रही हैं, तो चलो हो गई है सासू माँ की आज विदाई और बस मैं भी जल चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि आज मैं सुबह से काम में ही लगी हुई हूँ, मैं मतलब भगवान को जल नहीं चढ़ा पाई थी और अभी जा रही हूँ नीचे, तो नीचे भी मुझे पूजा करना बाकी था। वैसे थर्सडे है तो मम्मी ने थर्सडे वाले दिन कथा
वगैरह पढ़ ली है, अगर वो नहीं पढ़ी होती तो फिर मैं पढ़ती, क्योंकि थर्सडे वाले दिन हम ज़रूर कथा करते हैं जो सत्यनारायण भगवान की कथा है बृहस्पति देवता की। और ये मेरा अनमेजिंग फैक्ट्री से एक पार्सल मुझे अभी रिसीव हुआ है, तो अभी मैं जब इसका रिव्यू करूँगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद बाथरूम में कुछ कपड़े पड़े हुए थे धुलने के, मतलब धुले हुए कपड़े पड़े हुए थे, तो मैं उनको फैलाने आ गई हूँ बाहर। और इसके बाद अभी मुझे तो ये अभी तक वैसे ही रखा हुआ है एप्पल, तो इसको सोच रही हूँ कट करके खा लेती हूँ और कॉफ़ी बना लेते हैं। लेट हो गई है, पहले मैं किचन के कामों में लग गई हूँ तो पूजा करने में लेट हो गया था, तो अब भी जा करके पूजा हुई है, 10:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ कॉफ़ी पीने। और साथ ही में बस ये जो पकौड़ियाँ बनाई हुई थी, भूख लग चुका है तो ये नमक वाली पकौड़ियाँ हैं, तो आज नाश्ते में यही खाने वाले हैं। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं। और अक्षत आदिया दोनों बाहर अकेले नहा रहे हैं, तो ये दोनों लोग लगे हुए हैं जब तक, तब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद फिर इन लोगों को कपड़े। आद्या को यहाँ पर रेडी कर रही हूँ और देखना अभी कितनी प्यारी प्यारी बातें करने लगी है आद्या, तो यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी हो। अद्दू को गोरी बनना है कि काली? काली बनना है कि गोली? वही खड़े जो खड़े खड़े जो अच्छी लगवाती है। अद्दू किसकी रानी बेटी है? पापा लानी बेटा है कि मम्मा की? अच्छा अद्दू, अद्दू को बुआ क्या बुलाती हैं और दादी क्या बुलाती हैं? तेजू। और पापा क्या बुलाते हैं? रानी। खाना निकाल लेती हूँ, मम्मी के खाना खा चुकी हूँ और मैं खाना खाने जा रही हूँ, तो चलो मैं भी अपने खाना ले लेती हूँ। ये खाना निकाल लिया है, तो इसमें है कढ़ी और ये है दही और ये भिंडी की सब्जी और हरी मिर्च। हरी मिर्च के बिना तो मैं नहीं खाती हूँ बिल्कुल भी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है खाने में। और ये पूड़ियाँ बनी हुई थी, खीर मैं भी नहीं खाऊंगी, जब मेरा मन करेगा तब खाऊंगी। और ये है चावल और थोड़ा सा सॉल्ट ले लेती हूँ, बिकॉज अगर किसी चीज में भी कम हुआ ना तो फिर लेने आना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट रख ले रही हूँ। करने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ बर्तन साफ करने, और तुरंत के तुरंत काम खत्म करने की मुझे आदत है, वरना सिंक में बर्तन पड़े रहते हैं ना तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो लंच करने के बाद मैं बर्तन वॉश करूँगी और उसके बाद फिर मैं किचन भी क्लीन कर लूँगी, तभी मुझे चैन की नींद आती है, फिर मैं आराम से बैठ पाती हूँ। अगर मेरा किचन गंदा रहा, बर्तन पड़े रहें तो मुझे समझ नहीं आता, और बहुत सारे लोगों की आदत। यहाँ पर मैं काउंटर को भी अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, काफ़ी गंदा हो जाता है बर्तन धुलते धुलते, तो सिंक को भी अच्छे से साफ कर रही हूँ। तो ये डेली क्लीनिंग में आता है, बट कभी कभी नहीं करती हूँ, वरना एक दिन छोड़ करके ज़रूर मैं इसको पूरा क्लीन करती हूँ, तो अच्छे से चमकता रहता, साफ़ सुथरा रहता है। बाद किचन काउंटर को भी अच्छे से क्लीन करूंगी, और वॉल पे ना छींटे वगैरह पड़ जाते हैं जब सब्जी वगैरह हम तड़का लगाते हैं या छौंक लगाते हैं, तो पीछे तेल वगैरह के छींटे पड़ जाते हैं, तो जिससे बहुत गंदी गंदी सी वॉल लगने लगती है, तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं साबुन या निरमा लगा लूँगी तो स्लैब अच्छे से साफ़ हो जाती है, अगर कुछ भी दाग धब्बे होते हैं तो वो भी छूट जाते हैं। फिर जो मैंने वॉश किए हुए बर्तन थे उनको भी मैं सेट से लगा दे रही हूँ, तो मतलब पूरा ऑलमोस्ट काम ख़त्म करके ही मैं किचन से हटती हूँ। ऐसा ही मेरा नाइट में भी रूटीन होता है, लंच के टाइम भी यही रूटीन है और नाइट में भी यही है। और अभी मैं आधे के लिए बॉटल में दूध, किचन मैं क्लीन करके ही रखती हूँ, इस यही आदत ना मम्मी को मेरी सबसे ज़्यादा पसंद है कि मुझे आलस नहीं है, मैं काम जो है जितना जल्दी हो सकता है फटाफट से ख़त्म करती हूँ, इसलिए ये मेरी आदत बहुत ज़्यादा।
कुछ कपड़े सूख गए हैं और कुछ अभी गीले हैं, तो जो सूखे कपड़े हैं उन्हें मैं हटा दूंगी, क्योंकि आजकल के मौसम में ना भरोसा नहीं होता है कि कब बादल सब भीग ले या बारिश हो गई, तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है, सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो चलो इनको निकाल लेती हूँ। मेरी यही आदत है, मैं सारा काम ख़त्म करके दोपहर में पूरा क्लीन करके किचन और बर्तन वगैरह साफ़ करके सेट करके तभी आराम से फिर वीडियो एडिट करती हूँ और उसके बाद अपलोड वगैरह करती हूँ। ये सारा यूट्यूब का काम होता है, ये सब करती हूँ। और रात में भी ऐसे ही मैं नाइट में ही किचन क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह भी क्लीन करके रख देती हूँ। इससे ना बहुत रिलैक्स रहना होता है, जब किचन में जाओ तो एकदम साफ़ सुथरा सा सब मिलता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। अचानक से कोई घर में आ जाए तो देखने में बड़ा गंदा सा लगता है कि किचन अभी तक गंदा पड़ा हुआ है। और यही आदत ना मम्मी को मेरी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब वो मेरी इस आदत को बहुत पसंद करती हैं। लेकिन सास लोग होती है ना कि मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और, मतलब मेरी ही तारीफ वो मेरे मुंह पर नहीं करती हैं, लेकिन मुझे पता है जब वो बाहर जाती हैं, मोहल्ले में जाती हैं या फिर किसी रिलेटिव से बात करती हैं तो वो मेरी बहुत तारीफ करती हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है कि किचन एकदम साफ़ सुथरा सा क्लीन रहे। और वो कभी कभी कह भी देंगी कि रहने दो आज बर्तन मत साफ़ करो, बाद में कर लेना जिस दिन ज़्यादा काम हो जाता है, लेकिन मैं बोलती हूँ नहीं मम्मी कर लेते हैं और काम हुआ रहता तो बड़ा आराम रहता है। तो चलो अभी मुझे मेरा दोपहर का तो सारा काम ख़त्म हो गया है, कुछ कपड़े पड़े हैं अक्षत आद्या के तो वो मैं अभी नहीं धुलने वाली हूँ, 3 बजे जब आराम करके 3-4 बजे उठूँगी तब मैं वॉश करके वो डाल दूँगी तो सूख जाते हैं। और वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और हाँ अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग गाइज आद्या।